की मौत की खबर मैंने एक दोस्त से सुनी और थोड़ी देर पहले बॉम्बे पहुंचा हूं। फ्लाइट लेट होने की वजह से मैं अपने भाई के अंतिम दर्शन नहीं कर सका। मुझे कल सुबह की फ्लाइट से कलकत्ता वापस जाना था, इसलिए होटल में सारा सामान रखकर मैं सीधा ग्रेवयार्ड फूल चढ़ाने पहुंचा। मगर मैंने वहां जाकर देखा कि कब्र में से मेरे भाई साहब की लाश गायब है। कब्र में से लाश गायब है? जी, और केयरटेकर भी बेहोश पड़ा हुआ था। ओह माय गॉड, क्या तुमने जॉन डिसूजा के घर वालों को इन्फॉर्म किया? जी नहीं, उनको मेरे आने की खबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों से मेरा रिश्ता टूट चुका है। आपको हमारा पता किसने बताया? ऑटो वाले ने। ठीक है, आप अपने होटल और उस ग्रेवयार्ड का पता लिख कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैक्सिमम यहाँ 3 दिन रुक सकता हूँ, क्या तब तक पता चल जाएगा? अजी 3 दिन तो बहुत होते हैं, V3 तो 3 मिनट्स में पता लगा लेंगे। मेरा मतलब है V3 तो 3 घंटे में पता लगा लेंगे। आई मीन 3 डेज में तो डेफिनेटली पता लगा लेंगे, तो ठीक है ना? हाँ हाँ, 3 दिन में जरूर पता लगा लेंगे, डोंट वरी। ओके, गुड बाय। इडियट, कहीं का? कहीं का क्यों, यही का। विक्की, ओहो, तुम दोनों झगड़ना बंद करो और ये सोचना शुरू करो कि जॉन डिसूजा की लाश का कैसे पता लगाया जाए। विक्की, आजकल क्राइम का स्टैंडर्ड भी क्या गिर गया? नहीं, जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी किडनैप होने लगे हैं। शट अप विली, तुम विनी को लेकर कब्रिस्तान जाओ। कब्रिस्तान? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, तुम इनके साथ जाओ ना, मैं क्यों जाऊं?
मुझे तो जोरों की नींद आ रही है। नींद? अभी उड़ाती हूँ नींद। कौन है तुम? V3 प्राइवेट डिटेक्टिव्स। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डिफेक्टिव है। नहीं बाबा, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ, रॉड्रिक्स। तुम्हें बेहोश किसने किया था? पता नहीं, सोया था। तुम्हें पता है जॉन डिसूजा की लाश गायब हो गई है? हाँ, हमें उनके पेपर्स और तुम्हारा रजिस्टर दिखाओ। दिखा दो। ये सर। इससे लगता है यहाँ कुछ ही देर पहले एक वैन आई थी। रजिस्टर में सब ठीक है? एक काम करो, सुनो। हाँ? इससे हमें जॉन डिसूजा के घर और ऑफिस का पता नोट कर लो। Yes, हम ग्रेव के पास है। हाँ? ओके, कम ऑन। भूत रह सकता है या तो विली। ओफो, बहुत मजाक हो गया। Now come on, let's get down to business. ये तो बताओ कि वहाँ कुछ पता चला या नहीं? बस इतना पता चला है कि एक लाश कब्र से गायब है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वहाँ का केयरटेकर रॉड्रिक्स भी बेहोश पड़ा था। हाँ, गेट के बाहर कुछ टायरों के निशान थे, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? तुम चुप रहो विनी, कब्रिस्तान में क्या एक ही गाड़ी जाती है?
रोज किसी ना किसी की मौत होती है, जाहिर है कि बहुत सी गाड़ियां जाती होंगी। मगर आगे क्या करें विकी, कुछ तो सोचो। एक काम करो, तुम लोग दोनों जाओ और मैं विकी, आज से मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। आज से V3 डिटेक्टिव एजेंसी V2 डिटेक्टिव एजेंसी बन गई है। मैं अपनी इंडिपेंडेंट डिटेक्टिव एजेंसी खोलूंगा जिसका नाम रखूंगा V1 यानी कि वेरी गुड। और मेरा सेक्रेटरी मेरा रेजिग्नेशन लेटर देके जाएगा। पहले ये तो पूछो कि जाना कहाँ है। अरे जाना कहाँ होगा, वही कब्रिस्तान में जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। ये फालतू केस V2 सॉल्व करो V2। मेरे पास तो V1 के पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस है। विनी विल यू प्लीज शट अप। मैं तो तुम दोनों को रेमंड के यहाँ जाने के लिए कह रही थी, लेकिन अब सिर्फ तुम अकेले ही जाओगे रेमंड के पास। वाह, मजा आ गया, बड़ी जोरों की भूख लगी थी। रेमंड साहब, मैं कहता हूँ ये सब हम करते हैं किसके लिए? पेट के लिए। बंदूकों के साए तले घूमते हैं किसके लिए? पेट के लिए। अब देखिए, आप चाहते हैं हम आपका काम जल्द से जल्द खत्म कर दें ताकि आप जल्दी से कलकत्ता जा सको। रिमंड साहब, ये आप कलकत्ता क्यों जा रहे हैं? पेट के लिए। यार आप हैं बड़े दिलचस्प आदमी। अरे हूँ कहाँ था किसी जमाने में। ये जब से V3 डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन कर ली है ना, तब से टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और आई टेल यू रिमंड साहब, ये विकी और विली है ना, मुझे खाने को भी नहीं देती। कहती है मैं मोटा हो जाऊंगा। अब देखिए, मैं मोटा दिखता हूँ आपको? बिल्कुल मोटा दिखता हूँ। अरे आप कहाँ मोटे हैं? मोटा तो मेरा दोस्त था। अच्छा, आपका कोई दोस्त मुझसे भी मोटा था? अच्छा, ये दोस्त से याद आया, आपको वो दोस्त ना जिसने आपके भाई की मौत की खबर दी, वो कहाँ रहता है? यही बम्बई में रहता है। अच्छा, बम्बई में रहता है। और आप उस वक्त कलकत्ता में थे, फिर भी उसने आपको इन्फॉर्म किया? अरे वो तो महान होगा, दाद देनी पड़ेगी उसकी। वरना तो आजकल तो बॉम्बे में टाइम कहाँ है किसी को किसी के लिए कुछ करने को। बहुत ही मस्ट बी ग्रेट। मुझे, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसका पता देंगे? दरअसल क्या है कि मैं भी उससे कई सालों से नहीं मिला हूँ। हाँ। और उसने जो मुझे मौत की खबर दी थी, हाँ, वो फोन पर दी थी। हाँ। और उस वक्त मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उससे पता ले सकूं। हाँ, जाहिर है जब भाई की मौत की खबर आई होगी तो यह दुख तो होता ही है किसी को भी। पर ये रिमंड साहब, ये लाश सिंगापुर से आई तो आते आते 5-6 दिन तो लग गए होंगे, तो उस वक्त तक आप कलकत्ता में मतलब? क्या है कि मैं कलकत्ता में बहुत बिजी रहता हूँ। हाँ। इसलिए टाइम पर नहीं आ सका। ओ हाँ, वो तो है, आप तो इतने बड़े बिजनेस में तो बिजी तो रहते ही होंगे। पर कुछ भी कहे, आपको वो दोस्त बड़ा महान है। जॉन डिसूजा की लाश को गायब करने में केटेकर रॉड्रिक्स का ही हाथ हो? नहीं, क्योंकि वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा जो उसके खिलाफ सबूत बन जाए। मुझे तो लगता है हमें इस मामले में बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। राइट योगिनी, मैं और विली जॉन डिसूजा के ऑफिस जाकर इंक्वायरी करते हैं। और मैं जाता हूँ जॉन डिसूजा के घर। ओके, सॉरी मिसेस डिसूजा, हम बहुत ही जल्द आपकी हस्बैंड की बॉडी का पता लगा लेंगे। ये सब क्या हो गया? प्लीज कूल डाउन मिसेस डिसूजा, हिम्मत से काम लीजिए। क्या आप हमें ये बता सकती हैं उनकी डेथ कैसे हुई? कार एक्सीडेंट से। कहाँ? सिंगापुर में। वो अपने ऑफिस के काम से वहां गए हुए थे। उनकी डेड बॉडी गायब करने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है, इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? नो। ओके, आप हमें उनका एक फोटोग्राफ दीजिए और ये बताइए कि वो अपने ऑफिस में किस पोस्ट पर काम करते थे। वो यहाँ सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। He was a very nice person. सिंगापुर में मिस्टर जॉन डिसूजा कहाँ ठहरे थे? वैसे तो कंपनी ने उनका होटल में अरेंजमेंट किया था, मगर कुछ दिन वो अपने दोस्त हैरिसन डिकोस्टा के यहाँ ठहरे थे। उसी ने पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश यहाँ भेजी थी। क्या बता सकते हैं मिस्टर श्याम खुराना कि मिस्टर जॉन के एक्सीडेंट के बाद आपने सारी फॉर्मेलिटीज अच्छी तरह से चेक कर ली थी? जी हाँ, कंपनी का मैनेजर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी। आई फाउंड एवरीथिंग इन ऑर्डर। कैन आई हैव अ लुक इनटू द पेपर्स? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट।
मैंने कहा उनकी फैमिली को कंपनी की तरफ से कंपनसेशन दिलाने के लिए रेकमेंड भी कर दिया था। वेल मिस्टर खुराना, एक बात और, मिस्टर जॉन डिसूजा की किसी से दुश्मनी या कोई झगड़ा कभी हुआ था? जी नहीं, he was a thorough gentleman. जहां तक मुझे मालूम है उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन पहले उनका ऑफिस में एक आदमी से जरूर झगड़ा हुआ था। उनका नाम बता सकते हैं आप? राजदत्त सोलंकी। ये मत भूलिए मिस्टर सोलंकी कि बैंक से लोन दिलाने में मैंने आपकी गारंटी भरी थी। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं वापस कर सकते तो लोन लेने की क्या जरूरत थी? मुझे पागल कुत्ते ने काटा, इसलिए लिया था लोन। ये नहीं भरता इंस्टॉलमेंट, जो करना है कर लो जाके। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा मिस्टर सोलंकी। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ये गीदर धमकी किसी और को देने जाके? Shut up! You shut up! उस दिन पहली बार मैंने जॉन को गुस्से में देखा था। क्या मैं मिस्टर सोलंकी से बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, कल वो टूर से लौट आएंगे, आप उनसे बेशक बात कर सकती हैं। ओके मिस्टर खुराना, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। जरूरत पड़ी तो फिर तकलीफ दूंगी। यू मोस्ट वेलकम। तमाम इंक्वायरीज के बाद भी नतीजा गोल है। समझ में नहीं आता कि जॉन डिसूजा की लाश किसने और क्यों गायब की। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई गहरा राज है। राज कितना ही गहरा हो, हमें उसकी तह तक पहुंचना ही होगा। विकी, हाँ? एक और आदमी को चेक करना है। पता है मिसेस जॉन डिसूजा ने कहा कि पिछले साल जॉन ने एक घर के नौकर को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था और अभी अभी वो जेल से छुटा हुआ है। अच्छा, क्या नाम है उसका? बहादुर। तुम इसके पहले जॉन डिसूजा के घर नौकरी करते थे ना? जी साहब। फिर नौकरी क्यों छोड़ दी बहादुर? पगार कम मिलती थी साहब। पगार कम मिलती थी या चोरी करते हुए पकड़े गए थे? ये झूठ है साहब, हमने कोई चोरी नहीं की साहब। झूठ मत बोलो, हमने सब पता लगाया है। चोरी के इल्जाम में तुम्हें सजा भी हुई थी। हुई क्या नहीं? हुई थी साहब, लेकिन जान साहब ने हमें फंसाया था साहब। इसलिए तुमने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, राइट? गुस्से में बोला था साहब। उनकी मौत तो सिंगापुर में कार से दबकर हुई साहब। मालूम है, लेकिन कल रात उनकी लाश कब्र से गायब कर दी गई है। लाश गायब कर दी गई है? बताओ तुम इस बारे में क्या जानते हो? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। देखो बहादुर, अगर जानते हुए भी तुमने कुछ छुपाया तो इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ओके, बहादुर की बातों ने तो हमें और भी कंफ्यूज कर दिया। कमाल की बात है, यहाँ जिंदे आदमी की तो कदर नहीं है, मुर्दा इतनी डिमांड में है। जो कुछ भी हो, हमारे लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज का हमें मुकाबला करना है। हेलो, V3 डिटेक्टिव एजेंसी। रेमंड हियर। हाँ मिस्टर रेमंड, आई एम विकी। मेरे भाई जॉन की लाश का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कलकत्ता वापस भी जाना है। अगर दो दिनों के अंदर लाश का कुछ नहीं पता चल सका तो मैं ये समझूंगा कि ये केस मैंने गलत हाथों में सौंप दिया। जी नहीं, आप यकीन रखें ऐसी नौबत नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए, क्या पूछना है? कल जब आप ग्रेवयार्ड गए थे तो आपने कोई वैन देखी थी वहां पर? नहीं तो ना, जस्ट ए मिनट। जब मैं वहां पहुंचा तो बाहर एक शराबी किसी वैन के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या कह रहा था वो? आई थिंक वो कह रहा था कि एक वैन धक्का मारकर गई है, उसको अरेस्ट करो, पकड़ो, समथिंग लाइक दैट। ओके मिस्टर रेमंड, थैंक यू वेरी मच। शराबी जोसेफ। मेरी बॉटल ले, कौन है तू? पुलिस। पुलिस, सॉरी साहब, सॉरी, हम पी नहीं रहा था, सुन के देख रहा था खाली। जब दारू नहीं पी रहे थे तो एक बात का सच सच जवाब दो। पूछो साहब, हम सब कुछ सच सच बताएगा। गॉड प्रॉमिस। कल रात को जॉन डिसूजा की लाश कैसे गायब हुई? लाश मालूम नहीं। कल रात को तुमने कोई वैन देखी थी? वैन? हाँ साहब, हाँ, सफेद रंग की वैन साहब, उधर से आई, हमको बहुत जोर से मारा साहब, इधर बहुत जोर से मारा। आई विल किल यू, समझता क्या है? और हम शरीफ आदमी हैं साहब। सर, वो वैन का नंबर क्या था? नंबर नहीं मालूम। तो फिर तुम्हें क्या मालूम है? गुड बाय जोसेफ। पहले मेरी बात का जवाब दो, फिर गुड बाय करना। अरे साहब, उस वैन के पीछे लिखा था गुड बाय। क्या? वैन के पीछे गुड बाय लिखा था? हाँ साहब, एक बात और बताऊं? हाँ बताओ। वो वैन, हाँ।